असम चुनावों में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत के पीछे कई वजह मानी गई। किसी ने कहा कि जनता कांग्रेस से त्रस्त थी, तो किसी ने माना बीजेपी का युवा चेहरा सर्बानंद सोनोवाल जनता को भा गया। लेकिन इस जीत के असली चालिक कौन हैं? ये हम आपको बताएंगे। देखिए एक रिपोर्ट। जीत के जश्न की ये तस्वीरें हैं असम की, जहां 15 साल बाद पंजा टूटा और बीजेपी का कमल खिला। सूबे में तीन बार से राज करने वाली तरुण गोगोई सरकार को बीजेपी ने ऐसी पटखनी दी कि कांग्रेस की जमीन ही खिसक गई और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। लेकिन ये जीत बीजेपी की झोली में कैसे आई? वैसे तो पार्टी की इस शानदार जीत के नायकों में सर्बानंद सोनोवाल, हिमंत बिस्वा सरमा और राम माधव का जिक्र तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इस जीत का एक और नायक भी है। एक ऐसा नायक जिसने पर्दे के पीछे से इस जीत की पटकथा लिखी, जिसकी बनाई योजना पर चलकर बीजेपी ने असम में परचम लहराया। इनसे मिलिए, यह है रजत सेठी, जिसे बीजेपी का नया पीके यानी प्रशांत किशोर माना जा रहा है। इस युवा चेहरे ने ही असम में बीजेपी की जीत की कहानी लिखी। हार्वर्ड ग्रेजुएट 29 साल के रजत ने बीते साल नवंबर में असम के लिए कैंपेन शुरू की। उनकी टीम की मेहनत का नतीजा यह रहा कि इन चुनावों में 126 सीटों वाली असम विधानसभा में बीजेपी को 86 सीटें दिलाई। अब आपको बताते हैं कि कौन है रजत सेठी। रजत सेठी कानपुर के रहने वाले हैं। रजत ने आरएसएस के स्कूल शिशु मंदिर से पढ़ाई की। आईआईटी खड़गपुर से बीटेक है रजत। खड़गपुर में रजत ने एक हिंदी सेल की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने अमेरिका में एमआईटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में पढ़ाई की। रजत सेठी जुलाई 2015 में अमेरिका से लौटे थे। दो महीने बाद उनकी मुलाकात बीजेपी महासचिव राम माधव से हुई। राम माधव के कहने पर ही सेठी ने बीजेपी ज्वाइन की। माधव ने ही सेठी को 32 जिलों 25,000 बूथों का काम करने के लिए कहा। सेठी की टीम ने गुवाहाटी में अपना हेडक्वार्टर चुना और 20-20 घंटे काम किया। साथ ही 400 युवाओं को अपनी टीम में उन्होंने शामिल किया और इस तरह पूरी शिद्दत के साथ रजत ने अपना काम किया और आज नतीजा सबके सामने है। तो क्या अब ये माना जाए कि राजनीतिक पार्टियों को जीत के लिए रजत और प्रशांत किशोर जैसे मैनेजमेंट गुरु की जरूरत है? और आगे देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों में ऐसे कितने गुरु और निकलकर सामने आते हैं। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।